guys at LS2 actually called me. Here we are at LS2 Helmets. Unki DHA wali outlet hai. This one right here. Ye aapke khayaban itihad ke bilkul paas hai. This is the location. Theek hai. So let's go inside. Thoda sa dikhate hain aapko. Ke paas mein. Ye aa gaye hamare paas. ये हमारे अस्सलाम वालेकुम असद अकील भाई LS2 Helmets के स्टार्टर कहें आपको क्या बोलें इनकी सारी काविश है जिसकी वजह से LS2 पाकिस्तान के अंदर आया है तो अभी माशाल्लाह से DHA के अंदर इनका सेकंड शोरूम खुला है आपका पहले होता था कहां पर सेंट्रल मॉल में गोल प्लाजा एमजेना रोड अभी भी वहां पर है जी हां लेकिन ज्यादा बड़ी कलेक्शन DHA के अंदर आपको यहां पर मिलेगी फेज 6 के अंदर इसका एड्रेस लोगों को बता दीजिएगा जिनको ना पता हो आयशा मस्जिद मेन इत्तेहाद ESO पंप उसके जस्ट अपोजिट 5th स्ट्रीट है ये और इसी में आप अंदर आएंगे तो ये प्लॉट नंबर 11C है शॉप नंबर 1 है सही ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं इनके पास नई शिपमेंट आई है LS2 की और सीधी बात है असद भाई जब भी मैं आता हूं तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं कि यार मैं आपसे जो हेलमेट लेकर गया था वो क्यों गया था क्योंकि हमेशा आपके पास कोई ना कोई नई चीज आ गई होती है है ना तो बहुत सारी नई चीजें हैं ये थोड़ा सा इन लोगों को मैं दिखाता हूं और यहां नीचे भी एक इनके पास हैं और ये भी लगे हुए हैं फॉर MX जिन लोगों को शौक होता है MX टाइप के हेलमेट्स भी इनके पास मौजूद हैं एंड डिफरेंट कैटेगरीज इसकी स्टार्टिंग प्राइसेस कौन-कौन सी कहां से होती है आपकी मिनिमम LS2 की क्योंकि लोग समझते हैं LS2 बस बहुत ही प्रीमियम हाई प्राइस पे के ऊपर जाता है देखिए ऐसी कोई बात नहीं है LS2 जो है वो अपनी मार्केट का पूरा जो है वो ध्यान रख रहा है और LS2 जो ओपन फेस में स्टार्टिंग रेंज है वो 4990 में है ये मॉडल का नाम है जी एयरफ्लो और इसमें 5 वेरिएंट्स हैं 1 2 3 4 5 पांच वेरिएंट्स हैं इसमें और वही सब चीजें ECER 22.05 सर्टिफाइड वॉशेबल पैडिंग टॉप वेंट्स जो ओपन फेस हेलमेट्स में होने चाहिए जरूरी हैं टॉप वेंट्स हैं इसमें अच्छा वॉशेबल पैडिंग और सब चीजें जो नॉर्मल हमारे जो मटेरियल्स हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं और जो एक हेलमेट में होने चाहिए सर्टिफाइड हेलमेट्स में चीजें वो सब इसमें हैं और ये हमारी बहुत ही आप कह लें कि एक हमारी कोशिश थी कि हम अपनी प्रोडक्ट अपनी ब्रांड के अंदर एक ऐसी चीज रखें कि जो लोगों की रेंज में हो तो ये एक हमारी तरफ से पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है ये मॉडल एयरफ्लो इंशाल्लाह आपको आउट ऑफ पाकिस्तान भी आपको ये प्राइस में नहीं मिलेगा हां तो ये है इसकी क्या स्टार्टिंग प्राइस आपने बताई कि 4990 अच्छा यानी तकरीबन 5000 रुपए का ये हेलमेट है और उस प्राइस के ऊपर आपको मैं जरा ये करीब से दिखाता हूं इसकी ग्राफिक्स आप ये देख सकते हैं जिन लोगों को जरा सा ग्राफिक्स देखने का शौक हो सो लुक एट दिस थिंग और ये इसकी ECER 22.05 ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ECER की जो सर्टिफिकेशन है दिस इज बेटर देन DOT सर्टिफिकेशन क्योंकि यूरोप के अंदर ये चलती है और उनकी काफी इसके अंदर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं तो असद भाई ये वाला हेलमेट जो है ठीक है ये सिर्फ एक इनका सामने एक ही वाइजर है या डुअल वाइजर है ये सिंगल कम्स विद सिंगल वाइजर और इसमें ये मेन वाइजर है हां और इस तरह है अच्छा 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 तो ये पूरा तकरीबन आपके फेस को कवर ही कर लेता है ये ना हो कि भाई खुदा ना खासा कोई और डिब्री वगैरह उड़ के आपके मुंह के ऊपर आती है तो ये कंप्लीट आपके फेस को कवर करता है बस ये आगे से नीचे से इसकी चिन वाला पार्ट मौजूद नहीं है लेकिन ये बड़ा डिफरेंट से लुक देता है मजेदार किस्म का और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं ये मैट ब्लैक है हां ये सिल्वर है आपके पास ग्रेश सिल्वर
This is matte black with yellow stripe on the side. और ये जिन लोगों के पास especially ये infinity 150 है, जो army green color type की होती है, उसके ऊपर अभी आप लोगों को शायद light की वजह से बहुत ज़्यादा वो नज़र आ रहा है, लेकिन this is actually pretty attractive matte green, military green किस्म का इसका color है. So for those guys जिन लोगों को जरा cafe racer type की चीज़ चलानी हो या फिर cruisers चाहिए हो, I think this is a pretty good choice. अब जरा नीचे भी आते हैं तो क्योंकि वो एक सिंगल वाइजर टाइप की चीज़ थी और अपना डुअल वाइजर के अंदर ये नीचे मेरे ख्याल में ये डुअल वाइजर वाले हैं नीचे जी. ये नया मॉडल है, जस्ट 2018 की रिलीज है इसकी, इस मॉडल की. अच्छा. और इस मॉडल का नाम है OF573 Twister जी. इस मॉडल का नाम ट्विस्टर है और इसके अंदर कुछ चीजें एड ऑन की हैं कंपनी ने, जैसे कि इसके अंदर ट्विन शील्ड ऐड करी है कंपनी ने. और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कंपनी ने ट्विन शील्ड ऐड करी है ओपन फेस हेलमेट में. जबरदस्त. सेकंड मेन थिंग अबाउट दिस हेलमेट इज कि ये ओपन फेस होने के साथ साथ इसमें टॉप वेंट है. अच्छा, तो अगर आपने इसको बंद कर दिया और आपको मजीद वेंटिलेशन चाहिए हो जी, तो आप इसको टॉप के जरिए. अच्छा, और वेंटिलेशन और हेलमेट को कूल रखने के लिए इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट भी कंपनी ने. अच्छा, जबरदस्त. तो यानी ये इतनी काफी जिन लोगों को वेंटिलेशन का इश्यू हो और जो लोग अगर फुल फेस हेलमेट के जरिए थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन किस्म का हेलमेट है ये. अगेन ये हेलमेट जो है हमने एक इकोनॉमिकल रेंज में और अपनी मार्केट को देखते हुए इंट्रोड्यूस करवाया है. इस मॉडल की प्राइस है 7,990. अच्छा, तो अगर जो लोग हमें करते थे, कंप्लेन करते थे या सजेशन देते थे कि जी आपका कोई भी हेलमेट डुअल वाइजर में लेस देन 12,000-10,000 नहीं है, तो उन लोगों के लिए है कि जी अब हमने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करा दिया है. ट्विन वाइजर है और एग्जॉस्ट भी है इसमें, फ्रंट पोर्ट चेन पोर्ट भी है, पीछे से रियर एग्जॉस्ट भी है. जबरदस्त, बिल्कुल. और इसकी डिफरेंट कलर स्कीम्स भी हैं. ये मेरे ख्याल में इटालियन फ्लैग है जी, है ना? बिल्कुल. और अच्छा, जबरदस्त. दिस इज फॉर द इटालियन फ्लैग और ये रेड ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन के अंदर आया हुआ है. दिस इज फॉर दोज गाइज जिन लोगों को हाफ हेलमेट ये कहें कि या फिर ओपन फेस टाइप के हेलमेट्स पसंद हो, जो चाहें तो ऊपर भी कर लें और उनको ग्लासेस भी मतलब शेड्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर इन्होंने डार्क शेड्स लगा रखे हैं. और मैं अगर आपको अपनी पर्सनली एक बात बताऊं, आई रियली लाइक इनका ये ट्विन शील्ड आती है LS2 की इस टाइप की, ये बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि आपकी तकरीबन नोज को कवर कर लेती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता. इसमें देखें मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, ये देखिए इसके अंदर इन्होंने कोई बेवल्ड एजेस नहीं दे रखी, जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ करते हैं. अगर आप कभी टूर वगैरह पे जा रहे हो तो आपको वो आपकी विजन को खराब करते हैं. इसमें विजन खराब नहीं होगा आपका. दैट्स अ गुड थिंग. आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप अपना ब्लूटूथ जो है इंटरकॉम हेडसेट वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस हेलमेट में. अच्छा, अगर तो ब्लूटूथ अगर है तो इसके अंदर. अच्छा, इन्होंने इसके चीक के अंदर ओपनिंग्स दे रखी हैं. जबरदस्त. अच्छा अच्छा, वी नेवर फॉरगेट अबाउट आवर फीमेल ऑडियंस. और इसी मॉडल में हमने एक फीमेल ऑडियंस के लिए भी अपना एक वेरिएंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका नाम है ट्विस्टर पेल. अच्छा जी, पेल पिंक के नाम से ये है और ये बड़ा यूनिक सा कलर है. अगर आप इसके अंदर, वैसे आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो, इसमें थोड़ा सा एक क्रोम टाइप का फिनिश भी आ रहा है हल्का सा, बड़ा अच्छा पर्ल किस्म का इन्होंने पर्ल पिंक कहीं या रोज गोल्ड कह लीजिए इस टाइप का इसके अंदर इन्होंने कलर दे रखा है इसके अंदर. तो ये जबरदस्त है कि अगर जो फीमेल ऑडियंस स्पेशली लेती हैं उन लोगों के लिए बड़ा ये एक बड़ा अच्छा लुक भी रहेगा, डिफरेंट लुक रहेगा, बड़ा मैचिंग किस्म का. अच्छा भाई, अब इधर आते हैं. ये तो हैं बड़े अच्छे स्टार्टर टाइप के हेलमेट्स, मुझे मज़े के लगे हेलमेट्स, लेकिन अगर हाफ फेस या कहें ओपन फेस हेलमेट्स कह लीजिए, तो ये कौन से हेलमेट्स हैं? ये बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ लग रही है मुझे, बड़ी ही ये व्हील टाइप की चीज़ और बड़ा मज़ेदार सा इसके अंदर आ रहा है हमारे पास. लोग देखिए, ये हमारा ओपन फेस का एक मॉडल है जो कि आपके क्रूजर्स या आप कह लें हार्ले मोटरसाइकिल जो है उनमें ये यूज हो जाता है. ये OF570 वर्सो के नाम से मॉडल है और इसमें ये एक वेरिएंट है पर्ल वाइट, इसमें एक वेरिएंट है आपका मैट ग्रे या मैट टाइटेनियम और थर्ड है मैट ब्लैक.
मैट ब्लैक, ये मैट ब्लैक काफी डिफरेंट लग रहा है आगे से जी, ये इसमें एक आपका ऑप्शन है आपके हेलमेट के साथ ही आता है ये ऑप्शन। अच्छा। इसमें आप अपने मेन वाइजर, जैसे आप यहाँ पे दिखाइएगा ये मेन वाइजर, आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं विद दैट पीक। सो ये आपके ऊपर है, ऑप्शन है आपके पास के आप किस पोजीशन में राइड करना चाह रहे हैं या किस मोड में आप राइड करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने हेलमेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी ऐसे भी दोनों ऑप्शन हैं एक ही बॉक्स के अंदर हमें मिल जाएंगे, या तो हम इसको इस तरह की फ्रंट शील्ड लगा के रखें या फ्रंट शील्ड हटा के उसकी जगह हम एक पीक लगा लें जी, ठीक है ना। तो ये देखें आप लोग, जरा सा बड़ा मजेदार किस्म का आपको ये लुक देता है, पता नहीं कि मुझे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये। इसमें भी आप ब्लूटूथ कर सकते। अच्छा, इसके अंदर भी ब्लूटूथ इंस्टॉल हो सकता है जी, इफ यू वांट टू। स्पेशल थिंग अबाउट वर्सो इज के ये काइनेटिक पॉलीमर अलॉय मटेरियल है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही यूनिक किस्म का मटेरियल है। या ज़ूम कीजा। दिस इज मेड विद केपीए। और मेरा जो मेट्रो ईवो है दैट इज आल्सो मेड विद काइनेटिक पॉलीमर एलॉय, है ना। तो असद भाई ये तो है हाफ फेस, ये बड़े मजेदार हाफ फेस है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे हाफ या हाफ हेलमेट के लिए या ओपन फेस हेलमेट के अंदर इतनी मजेदार रेंज कहीं भी नजर नहीं आई, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। और ये तो आपको पता ही कि क्या चीज है, मैं करीब नहीं जाऊंगा, लोग मतलब मैं खुद नजर आना शुरू होऊंगा। क्या हाल है भाई बच्चों, ठीक ठाक हो सारे के सारे, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो ये बड़ा मजेदार क्रोम किस्म की चीज है, और आपने बताया था कि ये पहले तकरीबन ये सारे ही सेल हो गए थे। हाँ। इसकी जो कंसाइनमेंट थी वो सब सेल हो गई थी, अभी ये जून में दोबारा जो है स्टॉक हमारे पास आया आफ्टर ईद, और माशाल्लाह ये जो है उसके अंदर दोबारा हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि ये एक हमारा हाई एंड सेलिंग आइटम था, तो इसको हमने रीऑर्डर किया। सही सही सही, माशाल्लाह। वैसे जिन लोगों को जरा हाई एंड का हो तो ये भी इसको भी देखिएगा, ये कैब्रियो पता नहीं कि बहुत मजेदार सा मुझे हेलमेट लगता है ये देखकर। आप इसके बस सिर्फ लुक्स को एंजॉय करें और आपको पता चलेगा इसकी फिनिशिंग से कि व्हाई पीपल गो फॉर LS2। मतलब मुझे तो बहुत मजेदार इनकी चीजें लगती हैं, जबरदस्त। एंड दिस इज ऑल्सो कैब्रियो की कोई टाइप है ना जी, नीचे लेकिन दिल इसी पे आ जा रहा है यार। देखो डब्बे के, डब्बा भी देखो कैसे डब्बा है, अल्लाह होगा माशाल्लाह। अच्छा भाई ये तो है हाफ हेलमेट्स, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जिन लोगों को स्टार्टिंग में फुल फेस हेलमेट चाहिए हों, जो मतलब ऐसे होंगे जो ईसी अप्रूव हेलमेट्स हों आपके, ठीक है ना, 22.05 को सर्टिफाई भी करते हों, और कलर कोई अच्छे उसके अंदर हो हमारे पास कोई कलर स्कीम, क्योंकि आमतौर से आते हैं उधर एक अजीब सी फीके से या प्लेन आते हैं, आपके पास कलर्स बड़े अच्छे आए हुए थे, वो बताइए कौन से आपके पास। हम लोग कोई भी अपनी ऑडियंस को या किसी भी अपने कस्टमर के लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो हम खाली छोड़ दें कि वो गैप दे दें, तो हम लोग इस चीज का पाकिस्तान में बिल्कुल ख्याल करते हैं। इवन की क्योंकि LS2 जो है एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, 92 कंट्रीज में, पहले भी कई अपने इंटरव्यूज में बता चुका हूँ कि LS2 एक वाहिद ब्रांड है वर्ल्ड में, 92 कंट्रीज के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। तो एक्सेसरीज के हवाले से पाकिस्तान में भी सब अवेलेबल है, और इसी तरह पूरे वर्ल्ड में भी आप कहीं पे हो तो आप अपना हेलमेट अगर कैरी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम जरूरत नहीं है परेशान होने की। मैं आपको फुल फेस के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग रेंज है वो भी दिखा देता हूँ, उसमें 2018 की जो है कलेक्शन आ चुकी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो रहा है जी ड्रेड बोल्ट से, मॉडल का नाम है ड्रेड बोल्ट मैट ब्लैक ऑरेंज। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि पता नहीं क्यों मेरे पास कलर्स आप चेंज होते हुए देख रहे हैं, लेट मी जस्ट डू दिस। ना मेरे पास हो गया, मैं इसको काफ़ी मुझे इसको लाइट को अपनी डिम करना पड़ा, लेकिन जस्ट टू गेट सम वेयर विद दिस कलर। थोड़ा सा कम करें, ये देखिए आप लोग, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है ये। मैं इसकी अपनी एक्स्ट्रा लाइट भी ऑफ करता हूँ, और नाउ लेट मी टर्न द लाइट्स अप 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 अप। तो ये मज़े की बात यह है कि सीधी बात है कि कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा जितनी मज़े की ये चीज़ लगी है। दिस इज़ बेसिकली द सेम कलर, वो जो आपको पीछे नज़र आ रहा है उससे थोड़ा सा लाइटर कलर है, लेकिन ये मेरे समझे कैमरे का इसमें कुछ कसूर है कि उसमें मुझे इतना ज़्यादा वो मज़े का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप जब इसको इन पर्सन देखेंगे तो यू गोना बी ब्लोन अवे कि वाकईतन यार कोई क्लास की चीज़ है। और आप ये देखिए कि क्लोज से भी इसको देख लें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रफ इन किस्म का टेक्सचर इसके ऊपर उन्होंने दे रखा है इस टाइप का। अच्छा तो ये है रेड बोल्ट, इसमें तकरीबन ड्रेड बोल्ट इसमें तकरीबन 9 ग्राफिक्स हैं। मैं मेन आपको जो हमारे स्पेशल एडिशन हैं वो आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ये इस वेरिएंट का नाम है ग्रेट वाइट रेड, और इसमें ये एक ग्लिटर ग्रे या सिल्वर से जो है LS2 जो है लोगो वो एक प्रिंट हुआ हुआ।
अच्छा जबरदस्त. और ये तकरीबन इनकी स्टार्टिंग प्राइसेस क्या हैं? जो इस मॉडल का नाम है LS2 FF353 रैपिड, और रैपिड के अंदर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 7800 से सॉलिड कलर्स में. सही. अगर आप ग्राफिक्स में जाते हैं तो ग्राफिक्स जो है वो 8800 से स्टार्ट हो रहे हैं, और सॉलिड कलर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हमारा मैट ब्लैक वेरियंट है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये प्लेन मैट ब्लैक है. अगेन रैपिड FF353 क्या इसमें हमने चेंज किया है, हमारी कंपनी ने रुकी से जो हमारा 2017 का मॉडल था FF352, तो उसमें और इसमें कंपनी ने जो मेन चेंजिंग्स लाए हैं, सबसे पहले मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि चेन कर्डन ऐड कर दिया है कंपनी ने, जो कि विंड ब्रेकर है, जो आपकी जो बड़ी राइड्स पे या हाईवे राइड्स पे लोगों को एक इशू था कि इस मॉडल में चेन कर्डन नहीं था. मेन थिंग, सेकेंड थिंग अबाउट दिस रैपिड, इसके एग्जॉस्ट जो हैं कंपनी ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को देखते हुए स्पेशली इसके ऊपर वर्किंग की है. अच्छा. और एग्जॉस्ट पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी जो है विजिबल कर दिए हैं, ताकि एक राइट अमाउंट ऑफ जो आप कह सके एयर को जो है वो इंटेक कर सके. अच्छा. ये बहुत स्पेशल चीज़ है. थर्डली एयर के ऊपर ही हम बात करेंगे आपके हेलमेट के एग्जॉस्ट पे, इतना बड़ा एग्जॉस्ट इन्होंने इस रैपिड मॉडल में कंपनी ने दे दिया है इस दफा. ये उन लोगों के लिए के जो गर्मी में भी उनको ये हो कि गर्मी के अंदर यार ये ना हो कि हमें हफ्सा फील हो और हम लोग को एक समझे कि बहुत ज्यादा गर्मी लगे. LS2 से काफी दफा सजेशन दे चुके थे हमें कि जी आपके मॉडल्स में जो है ना हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स हेलमेट टाइप डिजाइन हुए हैं तो इस वजह से थोड़ी सी ये लोगों को एक सफोकेशन सी होती थी हेलमेट्स पहन के, तो उनके लिए हमने कंपनी से डिजाइन करवाए हैं. ये आप देख रहे होंगे वेंट्स जो है स्पेशल वेंट हो गया है, ये पूरे बैक पे आपके वेंट चल रहा है, एक चैनल्ड वेंट है इसे कहते हैं. दिस इज LS2 रैपिड और ये मैट ब्लैक के अंदर है. ये हमारा फुल फेस में एक स्टार्टिंग वेरिएंट है और ये इसका चैन वेंट है. This is there. और ये this is basically a successor आपके लिए to Rookie, लेकिन काफी changes इन्होंने किए हैं new model के अंदर, better than Rookie मैं कहूँगा इसको. और जो बहुत ही एक और इसके अंदर main changing कंपनी ने की है वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा. इसमें कंपनी ने ratchet system जो है वो खत्म कर दिया है, gear system जिससे लोग अक्सर परेशान रहते थे कि जी ये gear system मतलब एक चीज चेंज करिए अच्छे के लिए की है, और आप लोग जरूर हमें इस पे रिस्पॉन्स किएगा ताकि हम और भी आइंदा इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम अपने आप को ठीक कर सकें. तो इसमें कंपनी ने जो है ये एक डिफरेंट किस्म का जो है वो एक आप कह लें मैकेनिज्म अब कर दिया है कि इसमें गियर सिस्टम खत्म कर दिया है. एक तो ये नॉइज फ्री हो गया इसका वाइजर. पहले अगर लोगों ने रूकी यूज किया हुआ है तो वो लोग जरूर जानते होंगे कि उसमें थोड़ा सा ना ओपन या क्लोज करते वक्त वाइजर को एक नॉइज आती थी गियर सिस्टम की, लेकिन अब इसको कंपनी ने बिल्कुल नॉइज फ्री कर दिया है. जबरदस्त. और ये वैसे तो इसके अंदर है भी, लेकिन ये बड़ी मजेदार सी चीज है. इन्होंने कम से कम आगे इसको दिखाईगा, ये आगे इन्होंने आपकी भी नोज गार्ड एक तरीके से दे रखा है, तो ये नोज गार्ड का बड़ा फायदा होता है. पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली अगर आपको जरा सा फॉग हो, क्योंकि आपकी नाक से जो भाप होती है ऊपर जाती है, तो दिस इज एक्चुअली प्रीटी डीसेंट. और दूसरा इसकी पैडिंग कंपनी ने इनर पैडिंग भी चेंज की है, एक स्टाइल को थोड़ा सा एक यूनिक टच दिया है जो LS2 की हमेशा से खूबी रही है, एक नई चीज करना और मार्केट को हमेशा अपने नए स्टाइल से जो है वो मुतासिर करना. और अब जो है कंपनी ने एक बड़ी यूनिक सी रेड लाइनिंग जो है उसमें टच दिया है हेलमेट्स को. दिस इज एक्चुअली प्रीटी गुड. ये बाज़ों का जो समझें कि स्टार्टिंग हेलमेट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपके माथे पे जाके वो बड़े तकलीफ देते हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि इसकी पैडिंग बहुत ही अच्छी इन्होंने कर दी है. दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस. और इसका भी जो वाइजर है वो रेडी फॉर पिन लॉक, मतलब इसके साथ पिन लॉक आता नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर पिन लॉक अपना इंस्टॉल कर सकते हैं. सही सही. तो पिन लॉक बाय द वे आपसे सेपरेटली परचेज किया जा सकता है इन केस देयर इज अ नीड फॉर इट. ठीक है, तो इसके दूसरे और कुछ दिखाइएगा हमें. ये इसमें एक वेरिएंट है जो स्कल एडिशन कहलाता है, इसका रैपिड का स्कल एडिशन है ये जी. ये भी बिल्कुल न्यू है, अभी लेटेस्ट रिलीज है. तो अगर आप लोगों को अल्लाह खैर करे खोपड़ियाँ ओपड़ियाँ रखने का शौक हो या सांप आपके दिमाग में घुस रहे हो, तो दिस इज दैट थिंग कि आप ये रैपिड का स्केल एडिशन यूज कर सकते हो. मतलब जस्ट फॉर दोज गाइस के जिन लोगों को थोड़ा सा एक जरा डिफरेंट डिजाइन चाहिए हो ग्राफिक्स वाइज ना, तो लोग ये दिस थिंग. ठीक है ना, बंदा दांत नहीं साफ करता था. ठीक है, सो एनीवे,
So this is the Rapid's color edition. And ये वाला? ये Carrera है. इस model का नाम है Rapid Carrera. और special thing about this graphic is के इसके अंदर 3 to 4 colors tone चल रहा है. अगर आप closely watch करें इसमें yellow plus grey black ये colors जो हैं इसमें चल रहे हैं. यानी वो देखने में तो वैसे आपको two color लग रहा है लेकिन colors की shades बहुत different इन्होंने use किए हैं different tones use किए हुए हैं. So this is that helmet. Rapid Carrera. Nice. अच्छा एक चीज़ है असद भाई इसमें से कहीं भी मुझे मैं generally LS2 different जगहों पे देखता हुआ भी आ रहा हूँ और मुझे मैं जाता हूँ तो मुझे हर जगह पे LS2 के visor पे हर जगह पे बहुत पीछे पीछे हर जगह पे Chinese लिखी हुई ज़्यादा नज़र आती है या हमारे पास बहुत से जो समझे कि local dealers हो गए जो कहते हैं कि हम LS2 लेकर आते हैं फला लेकर आते हैं लेकिन आपके पास कहीं भी मुझे चाइनीज़ लिखी हुई नहीं हर चीज़ इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है और ये ग्राफिक्स भी मुझे कहीं नहीं नज़र आते जो आपके पास ग्राफिक्स आते हैं जैसे मैं लोगों को एक मरतबा दोबारा दिखा दूं ये कलर स्कीम और ये ग्राफिक्स जो हैं ये किसी के पास मुझे नज़र नहीं आते एक्सेप्ट फॉर व्हेन आई कम टू काशिफ ऑटो कॉरपोरेशन या फिर LS2 के पास आता हूँ LS2 पाकिस्तान सिर्फ यहीं पे मुझे ग्राफिक्स नजर आते हैं इसकी क्या रीज़न है आप पहले मुझे बताएं चाइनीज का क्या मसला है और ग्राफिक्स का क्या मसला है ये आपने बहुत एक लंबी क्वेश्चन पूछा है लेकिन मैं इसका जवाब आपको बहुत ही ईजी करके और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा देखिये LS2 Within Pakistan, only Kashif Auto Corporation has rights to distribute or to import it. Okay. LS2 की जो global website है www.ls2helmets.com/pk ये आप यहाँ पे जाएं आप वहाँ पे अपने distributor जो एक आप देखेंगे details आ रही होती हैं उसमें सिर्फ आपको Kashif Auto Corporation की जो है details मिल रही होगी और हमारे दोनों showrooms के वहाँ पे address show हो रहे होंगे एक चीज दूसरी चीज़ ये जो आपने सवाल किया है कि चाइनीज स्टिकर्स या चाइनीज जो लोगोस के साथ LS2 कुछ मार्केट में अवेलेबल है बिल्कुल ये वो चीज़ है बॉस के हम लोग जो है ये हेलमेट जो हैं LS2 स्पेन से इंपोर्ट कर रहे हैं बार्सिलोना स्पेन से और ये ECER 22.05 सर्टिफाइड है जो चाइनीज स्टॉक है या जो चाइनीज लेबल के साथ मैं कहूँगा जो मार्केट में अवेलेबल है वो जो है नॉट सर्टिफाइड स्टॉक सबसे पहले वो सर्टिफाइड स्टॉक नहीं है और ये वो स्टॉक है जो कि तकरीबन 4 से 5 साल पहले डिसकंटिन्यूड मॉडल्स होते हैं आपको LS2 पाकिस्तान या के यानी कि काशिफ ऑटो कॉर्पोरेशन पे ही आपको हमेशा कैटलॉग मॉडल्स और करंट कैटलॉग मॉडल्स मिलेंगे जो कि आपको वेबसाइट पे भी शो हो रहे होंगे ये चीज़ है जो आपको लिंक करेगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल से कि जो मॉडल्स आपको शोरूम पे दिख रहे होंगे वही मॉडल्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी देख रहे होंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारे मॉडल्स जो अभी आपने देखे रैपिड के हों या और भी डिफरेंट मॉडल्स हों जो कंपनी के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं वेबसाइट के ऊपर हमारी ग्लोबल वेबसाइट या हमारी पाकिस्तान वेबसाइट पे उन सब के ऊपर ये मॉडल्स आपको शो हो रहे होंगे तो ये एक बहुत बेसिक वजह है कि जो आप लोग मार्केट में देखते हैं कि जी एक आपको हेलमेट मिल रहा है उसके चाइनीज लेबल लगे हुए हैं सबसे पहली बात कि वो ECER 22.05 सर्टिफाइड नहीं है तो आपसे वो मुतालबा करेंगे इस जैसी प्राइस या इससे थोड़ी सी कम प्राइस और आपको सर्टिफाइड स्टॉक नहीं देंगे ठीक है और अगर उन्होंने मतलब कोई ऐसी वैसी लेबलिंग की भी है तो काइंडली आप हमसे पूछ लें कोई इशू नहीं है आप हमसे रेफर कर लें उस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे जी हम ये परचेस करें या ना करें थर्डली जो भी स्टॉक आप मार्केट से लेंगे ये आपको इंशाल्लाह मैं अभी बता रहा हूँ कि उनके पास इसकी कोई एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं होंगी हमारे पास जो भी स्टॉक है जो भी चीज़ है उसकी सब की सब एक्सेसरीज अवेलेबल है इवन वाइजर्स हो गए इनकी पैडिंग्स हो गई या इनकी वेंटिलेशन के पोर्ट्स हो गए अक्सर लोग गिरा देते हैं टूट जाती है उनकी कोई चीज़ तो वो सब की सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं या फिर थोड़े दिन में आ जाती हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप काइंडली हमसे रेफर ज़रूर किया करें अगर आप मार्केट में किसी से कोई भी चीज़ LS2 के नाम पे परचेज कर रहे हो तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा खुद भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने मेरे पास LS2 स्ट्रोक था और हुआ क्या कि उसके अंदर से उसके जो साइड के रैचेट्स थे वो समझे कि वो सिस्टम मुझसे मिसिंग हो गया तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया इन्होंने कहा आपके पास आप आ जाएं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा तो दैट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट